गाइस फाइनली हम लोग ने है ना दिल्ली जो है वो लैंड कर दिया है और हम लोग दिल्ली है ना सुबह के ही पहुंच चुके थे, लेकिन हम लोग ने सोचा सबसे पहले है ना दिल्ली पहुंचकर हम लोग जाए अपने मामा के घर। तो सुबह से लेकर शाम तक है ना हमने है ना वहां पे है ना अपना दिन जो है वो बिताया है, लेकिन रात को हम लोग आ चुके हैं अपने गेस्ट हाउस में। सो गाइस हमने ना दो है ना रूम्स जो है वो बुक किया है, एक अपने लिए किया है और एक मम्मी पापा के लिए। हमने सुबह से इतना कुछ खा लिया है ना, इतनी टेस्टी टेस्टी चीज खा ली है ना, मुझे तो ऐसा मन कर रहा है ना कि मैं दिल्ली में ही रह जाऊँ। यहाँ का फूड ना सबसे बेस्ट है ना। हाँ, ऊपर से वो स्ट्रीट फूड होता है ना जो फास्ट फूड हो तो और भी ज्यादा। और मुझे तो बस कल का इंतजार है। क्यों? कल रक्षाबंधन हम मनाएंगे। यस, वो भी फर्स्ट टाइम कहीं और है ना। शॉट्स जो है वो दिखा दिया है इस रूम का, क्या दिखाऊं गाइस डिटेल में रूम टूर। सारा रूम मुझे है ना एक जैसा ही लगता है, पता नहीं क्यों होटल्स के। फटाफट से जाकर है ना सो जा, क्योंकि है ना कल सुबह बहुत ही जल्दी उठना है। यार नींद ही नहीं आ रही, एक्साइटमेंट इतनी है। तू भी जाके सो जा फटाफट जल्दी। मुझे तो आज बिल्कुल भी नींद नहीं आने वाली है। एक काम करो, तुम दोनों है ना जगे रहो और मुझे है ना 3 बजे सुबह उठा देना, ठीक है? भैया नहीं, हम जा रहे सोने। नाटक मत करो, मुझे सब पता है तुम लोग इतनी जल्दी तो सोने वाले हो नहीं। क्योंकि इधर टीवी लगाया, टीवी देख के फिर सोएंगे, क्योंकि सारे पैसे हम वसूल करेंगे। हाँ, और मम्मी वाला रूम है ना उसमें तो फ्रिज भी है। हाँ। हमारे वाले में नहीं है, ऐसा थोड़ी ना करने का क्या हमें ठंडा पानी पीने का वो नहीं होता। नहीं होता, होता है। ठंडा पानी तो दे दिया है गाइस। हाँ, देखो इतना ठंडा है, अब इससे ज्यादा कितना ठंडा चाहिए तुझे। वही तो, चिल्ड वाटर। हम लोग है ना अब सोने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पहले ही पता है कि इसके आगे वाली रात है ना हमने ज्यादा देर तक सोए नहीं है, तो हमारी आंखों में ऐसे नींद नहीं दिख रही आपको। पूरे 48 घंटे से नहीं सोया हूँ, पता है? अच्छी बात है। बस सोया नहीं, बीच बीच में ऐसे झक्कियां मारते रहा हूँ 10-10 मिनट की नींद। थोड़ा सा पावर नैप लिया है बस बीच बीच में, लिया है ना, पर कंटिन्यूअस सो जा वो अलग रहता है और पावर नैप लो वो अलग रहता है। हाँ, भले दोनों में डिफरेंस होता है ना। चलो बाय, तुम लोग अपना बकवास करोगे, इधर व्यू कितना प्यारा आ रहा है। अभी रात को क्या दिखेगा? अरे सब कुछ दिख रहा है, रोड पूरा दिख रहा है। फाइनली मैं है ना जग चुका हूँ। मैंने सोचा था ना कि मैं है ना 3 बजे तक है ना जग जाऊंगा सुबह का, लेकिन 3 बजे छोड़ो 7 बज चुके हैं अभी। और आज तो हमें आई थिंक है ना इस होटल में से है ना चेकआउट करना है 11 बजे से पहले। सो फटाफट से है ना तुम लोग रेडी हो जाओ प्लीज रक्षाबंधन के लिए। हाँ यार, अभी खुशबू गई है वॉशरूम, तो फिर मैं कैसे चली जाऊँ? अरे एक एक करके फटाफट जाओ ना प्लीज। हाँ जा रही। हमने सोचा था ना कि आज के दिन भी हम लोग है ना होटल में रहेंगे, लेकिन फिर हमने सोचा कि पूरे दिन आज तो हम राखी बांधने में ही बिजी रहेंगे, इधर तो आएंगे नहीं तो फालतू में पैसे क्यों दे। क्या है, चलो फटाफट से रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ, मेरे को राखी बांध दो। बस मुझे तो उसी वक्त का इंतजार था कि मैं न्यू कपड़े पहनूं। नींद आई थी ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फोन किया था तो एक भी बार आपने फोन नहीं उठाया है। रात को किया था मैंने फोन, मैं दिन में बहुत थक गई थी तो रात को नहीं उठाने का फोन, ऐसा होता है? नहीं। मेरे भी 5 अलार्म ऐसे ही बज के, कब बज गए मुझे भी नहीं पता। गाइस मुझे ना ऐसे लंबी खिड़की वाले है ना विंडो है ना बहुत ही अच्छे लगते। अभी ये लड़की बोली थी मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और अभी इसे देखो कम्बल के अंदर बैठी है। अरे भैया एक्साइटमेंट है ना एक जगह ठंडी एक जगह, तो एसी कम कर ले बहन, उसका टेम्परेचर सेट है भैया। गाइस हमारा ना लक खराब है, जब भी हम ऐसा बैग लेकर आते ना ट्रैवलिंग के लिए तो है ना बैग में कुछ ना कुछ तो कमी हो ही जाती है। देखो आज इसका ये हैंडल जो है वो हाथ में फर रहा है मेरे, घूम रहा है। कल तो ये निकल गया था है ना पायल, कैसे कैसे पापा ने वापस उसको डाला है। ये हमारा बैग है ना हमारा साथ कभी देता ही नहीं है ट्रैवलिंग में, पता नहीं क्यों ऐसा ही चलता रहा ना गाइस, तो अगली बार है ना थैली में लेकर आएंगे सारा का सारा चीजें। हमने अभी तक रक्षाबंधन में जो भी कपड़े पहने हैं ना सेम टू सेम ही पहने हैं, बस कलर का डिफरेंस होता है। बस इस बार भी वही है, हमने सेम टू सेम पैटर्न ली है, बस कलर का डिफरेंस है। मुझे तो नहीं ले रहा था इस बार, लेकिन खुशबू की वजह से ऐसा होता है। चल रहने दे, तेरी वजह से ऐसा होता है। जो उस लड़की को पसंद आता है ना आजकल, वो इस लड़की को भी पसंद आता है। आजकल नहीं, पहले भी जो मुझे पसंद आता था ना वही कपड़े, वही अलग कलर लेगी बट वही सेम ड्रेस लेगी। और मेरा नाम ले रही है। नहीं नहीं खुशबू तू झूठ बोल रही है, पहले तू इसकी कॉपी करती थी अब ये तेरी कॉपी करती है। समझ पड़ा?
इतनी रियलिटी मत बताओ। इस बार ना हमने बहुत ही सस्ते कपड़े खरीदे। अब मैं आपको मेरा ड्रेस दिखाती हूँ, ये मैं पहनने वाली हूँ, ऊपर ही पहनूंगी। सो ये है मेरा ड्रेस जो बहुत ही प्यारा है, मुझे पता है आपको तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके नीचे मैं पहनने वाली हूँ पिंक कलर का लहरिया पैंट, मेरा फेवरेट खुशबू की तरह ही मेरे पास भी है ये वाली कुर्ती, नीचे ये वाली पैंट्स और है ये वाला दुपट्टा। अगली बार है ना मैंने ग्रीन पहना था और इस बार दीदी ग्रीन पहन रही है, अगली बार दीदी ने पिंक पहना था, इस बार मैं पिंक पहन रही हूँ। इतना सारा याद रहता है कलर वाला। हाँ भैया मुझे ये क्या 10 साल पहले मैंने क्या पहना था वो भी याद है। वाह वाह, पायल और खुशबू ने तो मस्त अपना है ना आउटफिट की शॉपिंग है ना कर ली है ट्रेडिशनल, लेकिन मेरे को समय मिला ही नहीं कुर्ता पैजामा नया नया खरीदने का, इसलिए मेरे पास जो ऑलरेडी घर पे पड़ा हुआ था ना वही है ना मैं लेकर आ चुका हूँ, वही मैं पहनूंगा। मैं पहनने वाला हूँ ये ग्रीन कलर का कुर्ता और पहनने वाला हूँ ये व्हाइट कलर का पैजामा। बॉयज का तो चलता है गाइस, आउटफिट रिपीट होता है तो हम लोग चला लेते हैं। भैया मैं आपसे गुस्सा हूँ। क्यों? आप और दीदी मैचिंग करोगे, मेरे साथ ट्विनिंग नहीं करना। अरे यार तू फालतू बातों पे है ना गुस्सा करती है। नहीं जाके पिंक कलर का कुर्ता लेके आओ। क्या बोल रही है बहन तू? नहीं आप मेरे भी भाई हो। चल चल नाटक मत कर और तैयार हो चल, क्योंकि तेरे मेकअप में ये ना पूरा 1 घंटा लगने वाला है और हमको है ना 10 बजे से पहले तैयार होना है, पता है तुझे? अरे भैया आज है ना आई शेडो नहीं करने वाले हम। ठीक है, मतलब आज तू 5 मिनट में रेडी होके दिखाएगी ना? हाँ मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे फाउंडेशन लगाना है, आईलाइनर लगाना है, लिपस्टिक लगाना है। रहने दे, तेरा 5 मिनट में होने वाला नहीं है, मुझे सब पता है। चल चल टाइम वेस्ट मत कर, उठ और जाके ना तैयार हो, जा पहले नाने जा। चल नाने जा। गाइस आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने है ना रक्षाबंधन को कब सेलिब्रेट किया है। 30 तारीख को सेलिब्रेट किया है आप लोगों ने कि 31st को किया है? जो है वो फटाफट से है ना रेडी हो चुके हैं और आज मेरी दोनों बहनें बहुत ही प्यारी लग रही है गाइस, और हमारा भैया भी बहुत ही हैंडसम लग रहा है। क्या हैंडसम लग रहा है, बाल में लगाने वाला मेरा वैक्स तो घर पे ही छूट गया। पर आई थिंक है ना एयरपोर्ट पे अलाउड नहीं था। बहुत ही सुंदर लग रही हो। थैंक यू, मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। तू भी पायल सुंदर दिख रही है। हाँ मैं ऊपर से अच्छी लग रही हूँ लेकिन नीचे मेरे चप्पल नहीं अच्छे। सब कुछ अच्छा है। देख उसका कैसा हील वाला, मेरा तो ऐसा बकवास है। राखी तो मामा के घर पे बांध रहा है ना? हाँ मामा के घर पे बांधना है, पर हम आपको बता देते राखी कौन सा लाए। और आप गैस करना कि हम दोनों ने जो आपको राखी बताई उसमें से मेरी कौन सी या बनी की कौन सी है। ठीक है वो निकल जाता है जो रेगुलर लाइफ में बोलते हैं वो तो बोलेंगे ही ना। ठीक है अब बताओ। मैं बताऊं? हाँ। राखी देखने के बाद मुझे लग रहा है ये डब्बा तो खोल दिख नहीं रहा है। मैं खोलूंगी ना। हाँ। अब ये वीरा वाली जो राखी है ना वो इस लड़की की होगी। और ये वाली जो राखी है ना मोर वाली दिखा हाँ। वो तेरी होगी। हाँ, मैंने ग्रीन पहना है, आपने ग्रीन पहना है तो राखी भी ग्रीन। वाह वाह, सब कुछ सेट सेट करके लाई है। और ये हमने कभी सोचा नहीं था ये हो गया है। अपने वीरा के लिए लेके आई हूँ वीरा वाली राखी। हाँ। अरे हम जब आए थे तब कितना सुंदर था, हमने क्या हाल कर दिया है घर का। हमने तो सही रखा है, अच्छे अच्छे लोग है ना बिगाड़ के जाते हैं। अरे इस बात से मुझे याद आया मैंने ना ये नहीं लगाया है, मैं लगा क्या? क्या ये क्या बोलते हैं खुशबू? तू कितनी लंबी लग रही है यार। अरे प्रिया वो किसका कमाल है, किसका हिल्स का। आर यू एक्साइटेड? हाँ। राखी बांधने के लिए मम्मी तो पूरी तैयार हो चुकी है देखो गाइस। मम्मी कौन सा सॉन्ग गाओगे आप? मेरी राखी के डोर कभी होना। प्लीज मम्मी मुझे बहुत ही हंसी आ रही है, प्लीज ये सब मत गाओ। ये क्या लाया मेरे लिए गिफ्ट? अरे बहुत ही मस्त गिफ्ट लाया हूँ, पर तुझे इधर नहीं दूंगा, तुझे अहमदाबाद जाके ही दूंगा वो गिफ्ट। ऐसा थोड़ी ना होता है तो मैं भी अहमदाबाद जाके राखी बांधूंगी। नहीं, बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट है तो इधर थोड़ी ना देंगे। ऐसा क्या हुआ दे देने का? क्या दे देने का, लेकर आया ही नहीं हूँ मैं तो।
कैसे आ गए हो? जितना तो हम फोटो नहीं खींचते ना, उससे ज्यादा ना फोटो ना पापा है ना खींचते हैं। हम सिर्फ वीडियो बनाने में रहते हैं, और लेकिन हमारा जितना भी फोटो होता है ना, वो सारा का सारा है ना पापा जबरदस्ती खींच देते हैं। बोलिए। और सिर्फ फोटो खींचने का नहीं, एंगल भी बराबर होना चाहिए भाई। मेरा माथा तो इतना फीट ऊपर है ना, जगह होना ही चाहिए भाई। इधर साइड से तो लोग नहीं होने चाहिए, प्रॉपर एंगल से खींचते है ना। बिल्कुल साफ सफाई चाहिए पापा को फोटो में। बस बस हो गया, ज्यादा फोटो मत खिंचवाओ, ठीक है? कैमरे का है ना स्पेस फुल हो जाएगा। आप अभी राखी बांधोगी ना तो वो भी अभी फोटो खींचना है। थाई ले लिया? नहीं लिया। तो कब लोगे? नहीं लेना, चीनी खिला देंगे। ज्यादा बड़ा मत लगे ना। इधर भी देखो, वीरा वीरा लिखा हुआ। हाँ। वीरा यानी भाई। वो बोलता है वीरा भाई, ओ वीरा, वो वीरा होता है। नहीं, वो एक सीरियल आता है ना, वीरा वीरा सीरियल आता था। गुजराती में भाई को वीरा कहते हैं। ओपो खा ले तो ये कौन है? नहीं मैं ऐसे ही कुछ हूं। ए भी गिफ्ट दे, गिफ्ट 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 दो, चलो दो गिफ्ट दो, बाद में मिलेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट पैर तो छुई नहीं, जब गिफ्ट मिलेगा तब। कभी छुआ होगा तब ना छुएंगे। गिफ्ट मिलेगा तब छुएंगे, नहीं तो नहीं छुएंगे। इधर भी देखते रहो। ये नहीं है, यही है। इधर काजू कतली नहीं मिलता है। काजू कतली क्यों मिला? मिला ही नहीं। थैंक यू भैया, तो हर बार का सोच लिया है क्या कि कोई सोने की आइटम देनी है? नहीं, आप दे दे जो हमें लेनी चाहिए। ऐसे खजाना भेगा हो जाएगा हमारे पास। शॉर्ट चेन ही रखा है, तू रोज पहन सके ना वैसा। पर मैं रोज नहीं पहन। हो गया, ये इसको पहना दे, अपना लाओ ये रहा। ऐसा ही चाहिए था ना पैर? छोटा, छोटा नहीं है, दोनों साइज बराबर। इतना धीरे धीरे चलेंगे तो हो ही गया। तू ही चला ले, उनको पीछे बिठा ले। टीचर्स डे के लिए टीचर बन गई हूँ। कौन सी मैम बनी है तू? मैं ना मेरी फेवरेट मैम बनी हूँ, जो हम मेरी वीडियोस देखती है। दिल्ली घूम के मजा आया, बस एक बात का अफसोस है। क्या? शॉपिंग नहीं कर पाई। अगली बार आई थी तो झोला का झोला भर के सामान लेके गई थी। इस बार है ना हम ज्यादा घूमे नहीं, क्योंकि सिर्फ मामा के घर पे गए थे, फिर मौसी के घर पे गए थे, और फिर आपने मतलब हम लोग है ना कहीं घूमने वाले जगह पे नहीं गए, सिर्फ घर घर घूमे हैं। दिल्ली अच्छा लगा है ना? सही बात है, दिल्ली दिल वालों की नगरी है, है ना। हाँ। तुम तो जहाँ जाते हो वहाँ का तुम लोगों को सब कुछ अच्छा लगने लगता है। तुमको गिफ्ट कैसा लगा रक्षाबंधन का? मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, मतलब ये गिफ्ट मुझे ना एक्सपेक्टेड था। पता है कुछ स्क्रीनशॉट है ना लेके रख रही थी इसके फोन में। हाँ। तो मैंने जब चेक किया था ना, तो मैंने देखा चेन का स्क्रीनशॉट है, फिर पेंडेंट का स्क्रीनशॉट है, तो मैंने सोचा कि ये गिफ्ट दे दो। स्क्रीनशॉट तो ब्रेसलेट का भी था, तो वो भी दे देते। भी उतना बजट नहीं था भी। मुझसे तो पूछ लो मुझे कैसा लगा। अच्छा ही लगा होगा ना? नहीं भैया, मुझे ना बहुत ही अच्छा लगा है। और हर रक्षाबंधन पे क्या, हर फेस्टिवल पे आप ऐसे मुझे गिफ्ट देते रहिए। हाँ, मैं हम लोग बिल्कुल मना नहीं करेंगे।
तुझे बोला बेवरेजेस में क्या लोगे तो तूने क्या बोला? पहली बात तो तुझे समझ ही नहीं आया होगा कि बेवरेजेस मतलब क्या होता है ना? आया मुझे समझ, ठीक है? झूठ मत बोल। स्टार्टर होता है इसका मतलब। स्टार्टर नहीं तो स्टार्टर्स होते। स्टार्टर्स। नहीं तू मेरे सामने देखी मतलब तुझे ना समझ नहीं आया था। हम लोग है ना गुजरात जो है वो आ चुके हैं और हमको बहुत ही अच्छा लगा दिल्ली में है ना रक्षाबंधन सेलिब्रेट करके मामा मामी के साथ बहनों के साथ बहुत सारा मजा किया हमने दो दिनों में गाइस। ज्यादा दिनों के लिए ना हम लोग दिल्ली नहीं गए थे क्योंकि हमारी स्टडीज जो है वो कंटिन्यूअसली चल ही रही है और ज्यादा दिन तक हम छुट्टी ले लेंगे ना तो बहुत ही ज्यादा सिलेबस हमारा छूट जाएगा। लेकिन अब एंजॉय कर लिया है बहुत सारा तो अब है ना बहुत सारा पढ़ाई करना पड़ेगा। लेकिन इस साल का रक्षाबंधन ना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल रहने वाला है, जिंदगी भर हमको याद रहने वाला है क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग प्लेन में बैठकर कहीं गए हैं गाइस। होप करता हूं आपको ये वाली वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू so much for watching this video. Bye bye.